आप देख रहे हैं द किरण किरणनास शो आज मैं बात करने जा रही हूं जिस टॉपिक पर वो टॉपिक है बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद का आज फैसला आया है भारत की लखनऊ की सेशन अदालत ने आज फैसला दिया है और इस फैसले के मुताबिक क्योंकि ये जो कुछ हुआ बाबरी मस्जिद पर जो हमला हुआ मस्जिद का इन्हदाम हुआ मस्जिद को शहीद किया गया हजारों मुसलमान उनको कत्ल किया गया तो क्योंकि ये किसी मंसूबे के तहत इन्हदाम नहीं हुआ था ये किसी मंसूबे के तहत मस्जिद शहीद नहीं की गई थी जो वहां की अदालत ने कहा इसकी बुनियाद पर एल के एडवानी भारत के दीगर सीनियर सियासतदान जिनका ताल्लुक बीजेपी से और दीगर जमातों से रहा उन समय बत्तीस नामजद मुलजमान इन तमाम को बरी कर दिया गया तो भारत से जो उम्मीद रखी जा सकती थी वही फैसला भारत की जानब से आया भी है इंसाफ का जनाजा भारत ने निकालना था इंसाफ का जनाजा वहां पर निकला है याद दिला देती हूं वैसे तो तमाम लोगों को तमाम मुसलमानों को इनफैक्ट हिंदुस्तान के भारत के अपने लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से मालूम भी है पता भी है कि बाबरी ये, सानिहा, ये बाबरी मस्जिद ये साना ये हादसा बाबरी मस्जिद की शहादत ये हुई क्यों थी कैसे हुई थी एल के एडवानी ये वो दरिंदा सख्त इंसान या फिर कह लीजिए कि दरिंदा सोच वाला इंसान के बाबरी मस्जिद का जिस दिन ये अटैक हुआ जिस दिन ये हमला हुआ उससे पहले से आरएसएस के इश्तराक के साथ ये जनाबे वाला पूरे भारत में एक आम तासर एक राय कायम करने के लिए बाकायदा एक मुहिम चला रहे थे लोगों को अपने घरों से निकाल रहे थे मुहिम चला रहे थे जुलूस कर रहे थे जलसे कर रहे थे इस चीज पर कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया जाए सो so, ये प्रॉपर एक मंसूबा था लोगों को निकाला गया लोगों को वहां पर जमा किया गया डेट दी गई इनफैक्ट वहाँ उस वक्त की जो वजी अजम थे उनके साथ एक माहिदा तक किया गया कि हम वहाँ पर जा रहे हैं और कोई ऐसा अटैक नहीं किया जाएगा या कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं होगा जिस पर तकरीबन छह दिसंबर से एक हफ्ता या दो हफ्ते पहले वहां पर उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था वहां पर खारदार तारे लगा दी गई थी पुलिस को खड़ा कर दिया गया था नीम आ, आ, कह लीजिए कि फौजी ऐसा दस्ता जो जिस, जिस तरह की जंग में जब आप एक फौजी दस्ता जाता है या फौज जिस तरह से जंग में होती है भरपूर उनके पास हर तरह के हथियार होते हैं तो बहुत ज्यादा हथियार नहीं लेकिन एक दस्ता था फौज का वो भी वहां पर खड़ा किया हुआ था खारदार तारे लगाई हुई थी बाबरी मस्जिद के कंप्लीट उसके अतराफ में एंड जब ये छह दिसंबर जब वहां पर लोगों ने आना शुरू किया ये पूरे बलवाई वहां पर आना शुरू हुए आरएसएस के गुंडे ये दहशतगर्द वहां पर आना शुरू हुए तो पुलिस पीछे हट गई वो फौजी जो थे वो भी पीछे हट गए और उन लोगों को जाने दिया और दोपहर तक ये हुआ कि जो उस मस्जिद के तीन गुम्बद थे उन्हें शहीद किया जा चुका था उसके बाद ऑब्वियसली सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी मुस्लिम्स हिंदुस्तान में मौजूद है उनकी जानब से इसके ऊपर एक रिएक्शन आना था और फिर ऐसे फसादात हिंदू मुस्लिम फसादात इंडिया के मुख्त uh, इलाकों में हुए कि जो इंडियन uh, गवर्नमेंट बताती थी उस वक्त के यादाद शुमार के एटलीस्ट दो हजार लोग थे जो मारे गए थे हालांकि नंबर्स और खासतौर पर मुसलमानों का जो कत्ल हुआ था वो इससे कई सारे कई कई नंबर ज्यादा थे बहरहाल सो so, ये कोई एक दिन का मंसूबा नहीं था ये प्रॉपरली आर एस एस एल के आडवानी उसके हवारी ये सारे के सारे एक प्रोसेस को लेकर चल रहे थे छह दिसंबर को ये अटैक किया गया बाबरी मस्जिद का इन्हदाम हुआ उसके बाद अट्ठाईस साल अट्ठाईस साल लगे जिसमें तकरीबन सोलह सत्रह क्योंकि अड़तालीस अफराद थे उनके ऊपर ये मुकदमा था फिर सोलह सत्रह लोग तो इसमें मर गए मीन वाइल ये केस प्रोसीडिंग्स चलती रही होता रहा लोग इसमें मर गए और उसके बाद आज जाके फाइनली ये फैसला हुआ कि क्योंकि किसी मंसूबे के तहत ये अटैक नहीं किया गया था बुलवाई बस ऐसे ही आ गए और उसके बाद अटैक हो गया मस्जिद का इन्हदाम हो गया मस्जिद शहीद हो गई तो क्योंकि एक मंसूबा नहीं था इस वजह से जितने भी नामजद लोग हैं सीनियर पॉलिटिशियंस भारत के एल के एडवानी बशमूल बीजेपी के दीकर सियासतदान उन समय तमाम लोगों को बरी कर दिया गया क्योंकि सबूत भी नहीं मिले शवाहिद भी सच कोई खास नहीं मिले तो इस वजह से उनको बरी कर दिया गया सो so, ये जो एक फैसला आया है अगर भारत की जानब से वाकईतन ऐसा फैसला आता कि जहां पर फतेह होती इस बात की इस बात से हटकर कि ये हिंदू मुस्लिम फसाद था या ये किसी और कम्युनिटी के साथ फसाद था फैसला अगर आता इंसाफ का अगर फैसला आता कि दो फरीक में से एक फरीक जिसके साथ जुल्म हुआ उसके हक में अगर फैसला आता तब तो ये वाकई छंबे की बात होती कि जी भारत की तरफ से ये इतना इतना जबरदस्त इतना बड़ा फैसला आया है बट जो फैसला आया है एक्सपेक्टेड यही था भारत ने मोदी ने दरिंदा मोदी ने करना यही था तो अदालतों की जानब से सही फैसला आया है ऐसे मुल्क में कि जहां पर जिसका हाकिम ही एक यू नो गुजरात का कसाब हो तो वहां से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर क्या मुसलमानों के लिए कोई अच्छी बात हो जाती क्या मुसलमानों को बाबरी मस्जिद मिल जाती और मुसलमानों को बाबरी मस्जिद मिलने की मैं क्या बात कर रही हूं कि जब क्योंकि इस इसपे दो मुकदमे थे काफी सारे मुकदमे थे फिर ये जो बुलवायों वाले मुकदमे थे इनका मर्जर हो गया था और एक जमीन की मिल्कित वाला मुकदमा था वो लास्ट ईयर नवंबर में उसके ऊपर फैसला आ चुका था और उस जमीन को डिक्लेयर कर दिया था कि यहां पर राम मंदिर की है ये मंदिर की जमीन है तो मोदी साहब ने दो महीने पहले इसका उसका संगी बुनियाद भी रख दिया है राम मंदिर को उसको डिक्लेयर कर दिया है मेरा मसला कोई हिंदू बिरादरी नहीं है क्योंकि यहां पर पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में हिंदू रहते हैं हम उनका अदब करते हैं उनका एहतराम करते हैं उनकी मजहबी रसूमात का भी हम एहतराम करते हैं और बदले में सारी दुनिया में जो मुख्तलिफ मजाब हैं सबका एहतराम है हम तमाम मजाहब से ये उम्मीद भी रखते हैं कि वो भी हमारी मजहबी रसम का हमारे आ, मुकदस मकामा का उसी तरह से एहतराम करें जिस तरह से हम उनके मज़ाहब का एहतराम करते हैं लेकिन पाकिस्तान और भारत में यही यही बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क है कि मोदी दरिंदा मोदी आर एस एस का यू नो शिदत पसंद इंसान एल के एडवानी का ये ख्वाब के जी हिंदुत्वा का प्रचार हो हिंदू हिंदुत्वा का प्रचार पूरे भारत में हो तो वो जो ख्वाब जो तस्वुर था एल के एडवानी का है उसको लेकर आगे मोदी साहब चल रहे हैं इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब उसमें सहाफत भी आ जाती है उसमें सियासत भी आ जाती है उसमें अदालत भी आ जाती है जो अदालत ने आज फैसला देकर प्रूव किया उसमें महकमे भी आ जाते हैं उसमें उनकी फौज भी आ जाती है उसमें पुलिस भी आ जाती है उसमें अस्पताल भी आ जाते हैं जनाबे वाला और अस्पतालों का हवाला मैं इसलिए दे रही हूं हालांकि इन सारी चीजों की जो मैं बात कर रही हूं मेरे पास मुकम्मल हवाले भी मौजूद हैं कि मैं इन पर बात कर सकूं उनके हवाले दे सकूं बट अस्पताल के तो रिसेंट केसेस है ना कि कोरोना के केसेस आए तो जी मुख्तलिफ वहां की रियासतों में भारत की अपनी रियासतों में हो ये रहा था कि जी उन्होंने डिवाइड कर दिए थे कि जो हिंदू पेशेंट्स आएंगे वो यहां रहेंगे जो मुस्लिम पेशेंट्स आएंगे वो यहां रहेंगे तो ये जो हिंदुत्वा का कॉन्सेप्ट है वो इतनी ज्यादा शदत के साथ मोदी के जो हवारी हैं मीडिया समेत फौज समेत हुकूमत समेत तमाम लोग वो इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं कि भारत में बाकी मज़ाहिब का रहना दुभर हो गया है बाकी मज़ाहिब का रहना मुश्किल तरीन हो गया है भारत में बड़े अच्छे लोग भी पाए जाते हैं बड़े अच्छे लोग भी क्या बड़ी बहुत बड़ी तादाद में ऑब्वियसली आवाम जो होती है वो बहुत अच्छे पाए जाते हैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर आ रहे होते हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम्स बड़ा मिलकर रहते हैं मोहब्बत के साथ रहते हैं तो वहाँ की आवाम उनका तो कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो एक उन्होंने एक अपनी सदियाँ गुजार दी जिंदियाँ गुजार दी वो साथ मिलकर रह रहे हैं खाते पीते हैं एक दूसरे के घरों में आ, होली के दिनों में मुसलमानों को इनवाइट किया जाता है ईद के दिनों में वहाँ के जो हिंदू हैं वो मुलाकात करते हैं आते हैं मिठाइयाँ तकसीम होती हैं तो वहां पर हिंदू मुस्लिम्स जो एरिया के जो इलाकों के लोग होते हैं जो अवाम है वो तो बड़ा मिलकर रहते हैं लेकिन ये जो मोदी दरिंदा मोदी और उसकी सोच वाले लोग और वहां के जो ये आर की तंजीम ये सब मिलकर जो एक हिंदुत्व बनाना चाह रहे हैं इस कंट्री को तो ऑब्वियसली इस मुल्क में बाकी जमातों का बाकी मजाहिब का रहना मुश्किल तरीन हो गया है मेरी दुआ है मालिक से कि वो हिंदुस्तान में इस वक्त जितने मुसलमान रह रहे हैं और जितने दीगर मजाहिब रह रहे हैं उन तमाम लोगों पर मालिक अपना खास कर्म करे उनके लिए कुछ अच्छा करे क्योंकि ये जो ज़मीनी बादशाह बने हुए हैं ना जिसमें सबसे बड़ा किरदार दरिंदा मोदी हिटलर का सबसे बड़ा किरदार है ये इंसान नहीं है इंसानियत से हट के सोचता है इसके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुत्वा यू नो एक मजहब को लेकर और मजहब के मामले पर भी मतलब तमाम लोगों का मजहब जो है वो काबिल एहतराम है तमाम लोगों का हमारे लिए हिंदू मजहब भी काबिल एहतराम है लेकिन जहां पर एक्सट्रीम पे इंसान चला जाए ऐसी एक्सट्रीम पर चला जाए कि जहां पर इंसानियत कुछ ना बचे सिर्फ और सिर्फ पागलपन एक जुनूनियत सवार हो जाए तो फिर उस ऐसे इंसान का ताल्लुक किसी मजहब से मेरे नजदीक किसी मजहब से नहीं हो सकता तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी और उसके हवारी एक कॉन्सेप्ट रखते हैं कि हिंदुओं का राज हिंदुत्व इस कंट्री को भारत को बना दिया जाए बट ऑन अ सीरियस नोट इसका ताल्लुक किसी भी मजहब से है नहीं आज का फैसला जो एक बार फिर उसका मैं जिक्र कर दूं जो अदालत की जानब से किया गया है बाबरी मस्जिद का तमाम मुसलमान यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों का फैसला इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता था जो वहां की अदालत ने किया यानी तमाम शिद्दत पसंदों को यह फायदा देकर बरी कर दिया कि जी क्योंकि यह मनसूबाबंदी नहीं थी बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हमला नहीं हुआ था कोई सबूत भी नहीं है इस वजह से सबके सब आजाद हैं थैंक यू वेरी मच